A very good morning to all the students of class 1. Welcome to Smart Indian Model School online classes. बच्चों, अपने previous chapters में हमने plants और plant world के बारे में पढ़ाई की थी. आज हम हमारे EVS में chapter number 13 start करेंगे. This is our EVS book और हम start करने जा रहे हैं हमारा EVS का chapter number 13. And its name is Food and Homes of Animals. हमारे chapter number 13 का नाम क्या है? Food and Homes of Animals. आज इस chapter के through हम जानेंगे कि हमारे आसपास के जो जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं. तो चलिए आइए start करते हैं इसकी reading. Animals need food to live. बच्चों, जैसे हमें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, ऐसे ही एनिमल्स को भी खाना खाना होता है. Different animals eat different kind of food. हर अलग तरह का जानवर अलग तरह की चीज़ ही खाता है. आते हैं अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर. एंड आर नेक्स्ट हेडिंग इज प्लांट ईटर. आर नेक्स्ट हेडिंग इज प्लांट ईटर. ये वो जानवर होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं. आइए जानते हैं वो एनिमल्स कौन कौन से होते हैं. एनिमल्स लाइक काउज, डियर, गोट्स एंड हॉर्सेस ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट्स. बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, गाय, डियर, हिरन, गोट्स, बकरी और हॉर्सेस, घोड़े, ये क्या खाते हैं? ये ग्रास या फिर प्लांट्स को खाते हैं. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? प्लांट ईटर, क्योंकि ये प्लांट्स या फिर ग्रास को खाते हैं. चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर. आर नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रेन ईटर. जो जानवर ग्रेन्स खाते हैं उनको ग्रेन ईटर कहते हैं. आइए जानते हैं इन एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स लाइक पिजन्स, स्पैरो, पैरट एंड हेंस आर ग्रेन ईटर. यहाँ पर पढ़ेंगे एनिमल्स लाइक पिजन्स, स्पैरो, पैरट्स एंड हेंस आर ग्रेन ईटर. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रेन ईटर. नाउ विल कम टू आर नेक्स्ट हेडिंग. आर नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्ट ईटर. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. और वो कौन से होते हैं बच्चों? आइए जानते हैं. एनिमल्स लाइक स्पाइडर्स, लिजर्ड्स एंड कैमिलियंस ईट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स एंड वर्म्स को खाते हैं. दे आर कॉल्ड इंसेक्ट ईटर. सो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? ये कहलाएंगे इंसेक्ट ईटर. नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट पेज. Flesh eater. We'll come to our next page and our next heading is flesh eater. Animals like lions, tigers eat the flesh of other animals. बच्चों, जैसे lion and tiger दूसरे जानवरों का flesh खाते हैं. They are called as flesh eater. तो इसलिए इन्हें हम flesh eater भी कहते हैं. जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है लायंस एंड टाइगर. नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट हेडिंग होम्स ऑफ एनिमल्स. बच्चों, जैसे हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है ऐसे ही एनिमल्स को भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. आइए जानते हैं कि कौन सा एनिमल किस घर में रहता है. एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स को घर क्यों चाहिए होता है? ताकि वो सर्दी, गर्मी, खराब मौसम और दूसरे एनिमल्स से बच सके. इसीलिए उनको घर की ज़रूरत होती है. दैट्स वाई दे नीड अ हाउस. डिफरेंट एनिमल मेक डिफरेंट काइंड ऑफ होम. हर अलग तरह का जानवर अपने लिए एक अलग घर बनाता है. बर्ड्स मेक्स अ नेस्ट. तो बर्ड्स का बच्चों क्या होता है? नेस्ट होते हैं, यानी घोंसले होते हैं. तो बर्ड्स मेक अ नेस्ट. अ रैबिट मेक्स अ बरो. रैबिट्स
बरों में रहते हैं। लायन लिव्स इन अ डेन। लायन कहाँ रहते हैं बच्चों? लायन डेन में रहते हैं। अ स्नेक लिव इन अ होल। स्नेक्स कहाँ रहते हैं बच्चों? स्नेक्स रहते हैं होल में। डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स आर केप्ट इन ह्यूमन मेड होम्स। जो बच्चों, जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो उन घरों में रहते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, थ्रू ह्यूमंस बनाए जाते हैं। और वो कौन से होते हैं? अ काओ लिव्स इन अ शेड। काओ कहाँ रहती है बच्चों? काओ रहती है शेड में, SHED, शेड। अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहते हैं? हॉर्स स्टेबल में रहते हैं। अ डॉग लिव्स इन अ केनल। डॉग का घर का नाम क्या होता है बेटा? डॉग केनल में रहते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स। हमने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर नंबर 13, होम्स एंड फूड ऑफ एनिमल्स। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 13 ऑफ आर EVS। बच्चों, ये था आपका आज का EVS की क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।